हाई एवरी वन आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर नम्रता डागरा एंड डबल यू जी सी एट क्वालिफाइड एज वेल वनस अगेंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू बैक टू ग्रूथ एकेडमी सो आई होप आपने लास्ट लेक्चर फोनिटिक्स का देख लिया होगा और आपको बिल्कुल अच्छे से वो वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोनीटरी सिस्टम की डिटेल के साथ तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कुछ स्पीच मैकेनिज़म्स की भी स्टडी की थी और हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है हम कौन सा स्टडी करते हैं पुलमोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म बिकॉज वी स्टडी ब्रिटिश एक्सेंट हमें ब्रिटिश एक्सेंट सीखना है और कुछ इंडियन लैंग्वेजेस एक्सेप्ट सिंधी लैंग्वेज एंड सम यूरोपियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश यूज दिस पुलमोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म फॉर स्पीच साउंड प्रोडक्शन इसलिए हमारे लिए ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है अब इसको पुलमोनिक एग्रेसिव एस्ट्रीम मैकेनिज्म क्यों कहते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पूरा डिटेल से कर लिया है लेकिन फिर भी बता देती हूँ क्योंकि आपका भी रिविजन हो जाएगा रिकैप हो जाएगा तो इसे हम पुलमोनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ एन एजेक्टिव फॉर लंग्स द एयर दैट वी थ्रो आउट और वी एग्जेल कम्स फ्रॉम आर लंग्स इसलिए इसको कहते हैं पुलमोनिक एग्रेसिव एस्ट्रीम मैकेनिज्म तो लंग्स से जो हवा बाहर निकलती है एटमोसफियर में जाने से पहले उस हवा में डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होना ज़रूरी होता है क्योंकि एज़ यू नो कि जब तक एयर के अंदर हवा के अंदर जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसके अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस नहीं होगी डिफरेंट चेंजेस नहीं होंगे तब तक हम डिफरेंट स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस to create to produce different speech sounds बहुत सारी sounds produce करते हैं हम बोलने में लेकिन अगर एक जैसी modification हर air stream में होगी तो क्या different आवाजें निकलेगी इम्पॉसिबल नहीं होगा ऐसा तो इसीलिए बिफोर इट गोज आउट इन टू द the द एयर स्ट्रीम हैज सेवरल मॉडिफिकेशन इन इट ओके सो फर्स्ट सच मॉडिफिकेशन इज क्रिएटेड बाय द ट्रेकिया क्रिएटेड इन द ट्रेकिया ओके जैसे विंड पाइप से ही तो बाहर जाएगी ना ट्रेकिया से ही तो बाहर जाएगी हवा तो पहली ऐसी मोडिफिकेशन पहला ऐसा चेंज एयर स्ट्रीम में होता है ट्रकिया में लंग्स <coughs> से जो हवा बाहर निकलेगी सबसे पहले वो ट्रकिया में जाएगी तो ट्रेकिया के अंदर क्या होता है यहां पर एडम्स एप्पल ओके लैरिंगस भी कहते हैं उसको सो दिस लेरिंग्स विच इज प्रमिनेंटर इन आर नैक बैक साइड ऑफ इट इज़ situated अ horizontal लिप लाइक स्ट्रक्चर which इज़ कॉल्ड वोकल cords. या हम कह सकते हैं situated inside larynx is इज अ लिप लाइक स्ट्रक्चर is इज़ कॉल्ड वोकल It इट इज़ प्लेस्ड हॉरिजोंटली ऐसे प्लेस्ड होता है ठीक है इस तरीके से होता है जो फ्रंट साइड से बंद और बैक साइड से खुला होता है ये होते हैं वोकल कोड्स और इस बैक साइड से एक साइड से खुले होने की वजह से ही ये डिफरेंट पोजिशंस एज्यूम कर सकता है और इन डिफरेंट पोजिशंस का क्या रोल है ये हम अभी स्टडी करने वाले हैं सो सी द फर्स्ट डायग्राम इसके अंदर वोकल कोड्स की थ्री पोजिशन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जिन्हें हम स्टडी करते हैं ठीक है तो ये पहली पोजिशन जो वोकल कोड्स की है वो ये रही आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए इसको वन द वोकल कोड्स आर ड्रॉन वाइड पार्ट सो इस डायग्राम के अंदर द वोकल कोड्स आर प्लेस्ड वर्टिकली एक्चुअली देस आर इन हॉरिजोंटल पोजिशन लाइक दिस बट इन डाइग्राम इट इज़ प्लेस्ड लाइक दिस आपको समझाने के लिए ठीक है तो ये डायग्राम देखिए ध्यान से यू कैन सी द वोकल कोर्स ड्रोन वाइड अपार्ट खुले हुए हैं बैक साइड से बिल्कुल ओपन है और इनके बीच में एक जो स्पेस बन गया है खुलने की वजह से दैट स्पेस इज कॉल्ड ग्लोटस ओके ग्लोटिस तो जब लंग्स से हवा बाहर निकलेगी सांस हम बाहर छोड़ेंगे तो वो ट्रेकिया में जाएगी ट्रेकिया के अंदर सिचुएटेड क्या होता है लैरिंग्स लैरिंग्स के अंदर वोकल कोर्ड्स, वोकल कोर्ड्स की जब ये पोजीशन होती है वैन दे आर ड्रॉन वाइड पार्ट तो ये ग्लोटिस बन गया है इस ग्लोटिस के अंदर से जब हवा पास होगी तो क्या वोकल कोड्स की वॉल्स पे टच करेगी नो no. वॉल्स पे टच नहीं होगी तो द एयर कैन पास फ्रीली थ्रू दिस ग्लोटिस विदाउट एनी मॉडिफिकेशन सो इस तरीके से जब जो साउंडस प्रोड्यूस होगी तो दिस साउंडस विल बी कॉल्ड वॉइस लेस साउंडस वॉइसलेस साउंडस इसलिए कहते हैं हम इनको बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ साउंड्स यूज ओनली एयर टू प्रोड्यूस साउंडस नॉट वॉइस वॉइस का यूज़ नहीं करती साउंड प्रोड्यूस करने में सिर्फ हवा का यूज़ करती है जैसे यू कैन सी द एग्जाम्पल ह साउंड श श साउंड स साउंड ओके च साउंड सो दीज आर वॉइसलेस साउंड इसके अंदर सिर्फ हवा निकल रही है आवाज नहीं निकलेगी हवा ओनली ह अगर आप ऐसे करेंगे श तो आवाज़ सुनेगी ना श साउंड सो दीज आर वॉइसलेस साउंड्स. ओके इस पोजिशन में जब वोकल कोर्स होते हैं तो इस तरीके से वॉइसलेस साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं ऑल राइट सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोजिशन ऑफ द वोकल कोर्स। हियर इज़ द नेक्स्ट पोजिशन सी दिस अब ये जो पोजिशन है इसे बोलते हैं वेन द वोकल कोर्स आर हेल्ड लूजली टुगेदर अब ये वोकल कोर्स बहुत ही लूजली एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये बीच के अंदर जो स्पेस है ये बहुत छोटा सा रह गया है अब जब लंग्स से हवा हम बाहर छोड़ेंगे तो वो इस ग्लोटिस के थ्रू बाहर जाएगी तो ये ग्लोटिस बहुत ही छोटा सा नैरो नैरो स्पेस है ये नैरो स्पेस से जब बाहर जाएगी हवा तो एजिस पे टच करेगी वॉल्स पे टच होगी तो जब इससे हवा बाहर निकलेगी तो वोकल कोड्स विल वाइब्रेट वोकल कोड्स वाइब्रेट होंगे तो हवा के अंदर क्या होगा मॉडिफिकेशन होगा ना वोकल कोड्स वाइब्रेट करेंगे तो हवा में भी तो कुछ चेंजेस होंगे मोडिफिकेशनस होंगे तो अब जो साउंड्स निकलेगी उसे हम कहेंगे वॉइसड साउंड्स इन दिस पोजिशन वोकल कोर्ड्स प्रोड्यूस वॉइसड साउंड्स और इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर हर तरह के साउंड्स मिलेगी आपको वॉइसड साउंड्स भी मिलेगी और वॉइसलेस साउंड्स भी मिलेगी लेकिन अगर पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करें तो उसके अंदर हम वोवल लेटर्स जो है इनके साउंड्स कैसी होती है वॉइसड साउंड्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स की अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर तो इसमें वॉइसड कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं कुछ और कुछ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं वॉयसलेस कॉन्सोनेंट्स के अंदर मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल दिया था वॉयसलेस साउंड्स में ह श स ये क्या है ये कॉन्सोनेंट्स ही तो हैं तो ये कौन सी साउंड्स हैं वॉइस साउंड्स हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ वॉइस्ड साउंड्स भी होती है कॉन्सनेंट्स में तो उनके एग्जांपल्स भी देख लीजिए जैसे ड्राई ड ड साउंड सी द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड्स आई एम प्रोनाउंसिंग हियर इनिशियल साउंड्स ड्राई ड साउंड वेरी व साउंड व ऑल राइट इसके अलावा आप कह सकते हैं गेट ग साउंड जग ज साउंड अब बात ये आती है अब आप सोच रहे होंगे कि अब इन्हें हम पहचानेंगे कैसे कौन सी साउंड वॉइसड है और कौन सी वॉइसलेस है तो इसके लिए भी बहुत ही ईजी तरीका है हमारे पास आपके क्या कर सकते हैं पुट योर फिंगर ऑन योर एडम्स एप्पल यहाँ पर उंगली रखिए और बोल कर देखिए कोई भी साउंड फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं सिंक एंड जिंक इनके इनिशियल लेटर्स की जो साउंड है वो देखिए आप सिंक में स साउंड एंड जिंक में ज साउंड तो स साउंड बोलते हुए यहां पे फिंगर रखिए बोलिए क्या कोई वोकल uh, क्या कोई वाइब्रेशन है नहीं आ रही है कोई वाइब्रेशन नहीं है अब बोलिए आ रही है ना वाइब्रेशन सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स आपके वोकल कोर्ड्स में जब वाइब्रेशन होगी तो आपके फिंगर पे यू विल

तो अब आप बोलकर देखिए कोई भी साउंड स और ज ही बोल के देख लीजिए नो वाइब्रेशन आपको वाइब्रेशन फील होगी जैसे आपका फ़ोन बोलता है जब वाइब्रेट होता है फ़ोन कैसी आवाज़ आती है वैसे ही तो प्रैक्टिकल आपको करके देखना पड़ेगा ठीक है प्रैक्टिकल करके देखिए साथ साथ में और आपको सारी चीज़ें साथ साथ ही क्लियर होती चली जाएंगी ओके नाउ ये तो बात हो गई वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स की दो पोजीशंस हमने वोकल कोर्स की कंप्लीट कर ली है नाउ कम्स द फाइनल एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन ऑफ वोकल कोर्स इन विच द वोकल कोर्ड्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर हियर सी द डायग्राम वोकल कोर्स आर हेल्ड टाइटली टुगेदर इसके अंदर आप देख सकते है कि हैं कि वोकल कोर्स जो है बिल्कुल इस पोजिशन में है देर इज़ नो स्पेस इन बिटवीन द वोकल कोड्स सो दिस इज़ वैन द वोकल कोड्स आ हेल्ड टाइटली टूगेदर एकदम बंद हैं बिल्कुल टाइट हैं अब क्या कोई स्पेस है हवा बाहर निकलने की जगह है नहीं है तो ये कब होता है जब हम मुँह बंद रखते हैं जब हम बोलते ही नहीं हैं और बोलते कब नहीं है जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं सो दिस पोजिशन इज मैंडेटरी वेन यू ईट और ड्रिंक एवरीथिंग क्योंकि खाना खाते हुए या पानी पीते हुए आपने सांस लिया और कोई भी पार्टिकल ट्रकिया से होकर आपके ईसोफेगस में चला गया यानी कि फूड पाइप में चला गया तो इट मे क्रिएट सो मेनी ट्रबल्स ओके सो यू मस्ट टेक केयर दैट यू डोंट स्पीक वाइल ईटिंग और वाइल हैविंग ड्रिंकिंग समथिंग तो इस पोजीशन में वोकल कोर्स जब काफ़ी देर से बंद हैं दे आर हेल्थ टाइटली टुगेदर हमने कई देर से कुछ बोला नहीं है और सडनली हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो गले में थोड़ी सी खराश आती है देर इज़ अ माइल्ड कफ इन आर थ्रोट सो दिस कफ इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्लोटल स्टॉप मतलब काफ़ी देर से जब आपके वोकल कोर्ड्स बंद हैं आपने कुछ नहीं बोला है तो ये कैसी पोजीशन होगी वोकल कोर्स की ग्लोटल स्टॉप बन जाएगा और सडनली आप कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो दे विल बी माइल्ड कफ इन योर थ्रोट फिर आप ऐसे बोलेंगे और उसके बाद ऐसा करके थोड़ा गला साफ करके फिर बोलने की कोशिश करते हैं सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोटल स्टॉप तो आगे नोटिस करना और जब भी कभी ऐसा हो तो समझ जाना कि ग्लोटल स्टॉप बन गया है वोकल कोर्स में और एक और चीज़ होती है इसी पोजीशन में ग्लोटल स्टॉप का ही रिज़ल्ट है जब आप बोलते हैं जैसे वर्ड्स सुनना ध्यान से एम टी एमरजेंसी अंकल तो ये जो है ए साउंड स्टार्टिंग जो इनिशियल साउंड है उस उसे बोल के देखना कभी एक्ट Act, एक्शन तो जो इनिशियल साउंड है ए अंकल uh, ये साउंड्स ऐसा लगता है कि दीज आर फोर्सफुल आर्टिकुलेशन ऑफ दीज साउंडस ऐसा लगता है फोर्सफुली हम बोल रहे हैं तो ये साउंडस भी ग्लोटल स्टॉप का ही रिजल्ट है और ये कौन सी साउंडस हैं रिमेंबर दीज आर वोवल साउंड ऑल राइट सो नाओ वी आर डन विद द थ्री पोजिशन ऑफ वोकल कोर्स आई होप ये क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ हमारा ये फोनेट्री सिस्टम यहीं पर फिनिश होता है आर्टिकुलेट्री सिस्टम की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ तब तक के लिए आप इन दोनों वीडियोस को पहले वाली भी और ये आज वाली भी इन दोनों को कंपैरेटिवली देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्रैम नहीं करना है कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है रट्टा नहीं मारना है ठीक है और प्रैक्टिकल करके देखिए बोल बोल के देखिए एक्सपीरियंस कीजिए जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे आप प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखते चले जाएंगे। क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है फ़ोनेटिक्स इज़ कम्प्लीटली अ स्पीकिंग प्रैक्टिस जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं ये रिटर्न नहीं है कि लिख लिया याद कर लिया और पेपर में लिखा है ऐसा नहीं है दिस इज़ प्रैक्टिकल दिस इज़ लाइफ लाइफ के अंदर आपको बोलना ही पड़ेगा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करनी है इफ़ यू अना क्रिएट इफ़ यू ऑन एम बैलिश यूर लैंग्वेज इफ़ यू अना हैव अ वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग ओके लिखने से कुछ नहीं होगा सुनने से कुछ नहीं होगा पढ़ने से कुछ नहीं होगा आपको बोलना पड़ेगा बोल करके प्रैक्टिस करना प्रैक्टिकल करके देखना अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर कोई नहीं है बोलने के लिए तो अपने आप के साथ बोलो ठीक है अपने आप के साथ बोलने की प्रैक्टिस करो और ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी प्रोनंसिएशन ऐसे ही आ जाएगी आपको अपने आप के साथ बोलते बोलते ठीक है तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आई होप आप मेरी इन हिदायतों को फॉलो करेंगे ज़रूर और मुझे बताएंगे कि आपकी प्रोनाशिएशन में कितना फ़र्क पड़ा और कितना अच्छा आपको समझ में आया प्लीज़ कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको अच्छा लगा तो भी और अगर कोई इम्प्रमेंट चाहिए तो भी अगर आप कोई भी लेक्चर चाहते हैं कि आ, मैं लेके आऊँ पहले आपके लिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं अगर कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज देते हैं आई एल मेक श्योर देर आर रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल ऑल राइट Take care. Bye-bye.